निर्माण है, ये है निर्माण, ये देखिए। तो नीतीश जी देख लीजिए और नहीं तो ढाढ़ू जीते ढाढ़ू जीता है। नहीं काम तो गलत है भैया, सही थोड़ी है, आए? काम तो गलत है, गलत है। हाँ, सही अभी कहाँ होगा, अभी सही काम होगा कहाँ, बहुत परेशान, इतना परेशान है कि ये जो ठेकेदार कर रहा है बोरा डाल के और इसको रोक लगाया गया है, वो सही है या गलत? गलत है, दम गलत है। ये रहेगा या फंस जाएगा? फंस जाएगा पानी। 36 इंची या 9 इंची? हाँ 9 इंची से निकास दे रहा है। बीच का इंची के घोटाला कर गया, ठेकेदार खा गया पैसा। कैसे ठेकेदार कैसे खा गया? ठेकेदार ही ना बना रहा है। अच्छा ठेकेदार बना रहा है के 27 इंची के खाया? ठेकेदार खा गया, कौन खाएगा? अच्छा 27 इंची ठेकेदार खा गए। हाँ तो ये पानी नहीं निकलेगा? कहाँ निकलेगा, 40 इंची का पाइप दिया गया है, 9 इंची से पानी निकाला जा रहा है, निकलेगा चाची? कैसे निकलेगा, ऐसे में तो निकल बिल्कुल नहीं निकलेगा, ऐसे में कैसे निकलेगा पानी? अभी तो निकलवे नहीं करेगा, नहीं मतलब किया जा, नहीं बिल्कुल नहीं निकलेगा। काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, काम सही कहाँ है? सुन लीजिए ठेकेदार साहब, सवाल अलग रहा है, काम सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत है, पाइप मोटा लगना चाहिए। आगे वाला बोले कि सही काम हो रहा है, खादा वाले तो अब अपने अपने समझदारी है, पहले है हमारा काम। अरे रोड पर झील हो जाएगा, पानी निकलेगा नहीं। आगे वाला भाई साहब कह रहे थे कि सही निर्माण हो। अरे सही कैसे हो जाएगा, 9 इंची जहाँ 36 इंच जहाँ 9 इंची दोनों बराबर हो जाएगा, ये होने वाला बात है? हाथी मतलब गधा में दोनों में बराबर हो जाए, तुलना कर लेगा? इन दे रहे क्या इसमें? किसमें? इसमें छत्ता नहीं ढाल करके पाली मुली करबे नहीं किया, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बस ऐसे ढाल करको और वैसे छर निकाल को ढाल दिया, बस बीम नहीं हुआ, नहीं है पाइलिंग, नहीं है पाइलिंग, अंदर में नहीं किया, नहीं है सिर्फ अंदर में खड़ा कर दिया, कुछ नहीं है, ना बहन जांच करवाइए। क्या लग रहा है भागलपुर कितना ये पुलवा गिरेगा? गिरेगा, एकदम गिरेगा, अरे जांच करवाइए इसको। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज। अभी जिस जगह पर हम पहुंचे हैं और यहाँ का जो निर्माण हो रहा है, इस पुल का निर्माण जो हो रहा है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस पुल का निर्माण में कितनी सरकार की पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और अगर निर्माण जिस प्रकार हो रहा है, इस निर्माण में अगर इसी प्रकार निर्माण होता रहा तो भागलपुर में जिस प्रकार से ओवर ब्रिज बनते बनते गिरता है, तो शायद ये तो बनते बनते नहीं गिरेगा, लेकिन आने वाले समय में जो करोड़ों लोगों की जो आवागमन की रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाएगा। ये पुल का निर्माण पूरे 33 लाख का है, 33 लाख का निर्माण है, और निर्माण किस प्रकार से है हम आपको दिखाएंगे कि पुल का निर्माण किस प्रकार से है। जिस जगह पर हम पुल के नीचे आए हैं और इस पुल का निर्माण देख लीजिए, आपको हम बता रहे हैं, ये पुल का निर्माण है, ये है निर्माण, ये देखिए, ये निर्माण हो रहा है। और ये ठेकेदार को ये पता नहीं चल रहा है कि अगर इस पर लोड पड़ेगा तो कहां रहेगा, ये पुल गिरेगा, रोड गिरेगा या एक्सीडेंट आने वाला का होगा कि नहीं होगा, इसका रोक क्यों नहीं दिया गया, सवाल उठता है। ये निर्माण किस प्रकार से हो रहा है तो नीतीश जी देख लीजिए और एक्सिक्यूटिव इंजीनियर साहब देख लीजिए, निर्माण यही हो रहा है। इस बोरवा में से देखिए कैसे पाउडर गिर रहा है, ये निर्माण हो रहा है, साला ये बना नहीं है, बनने से पहले ये अपना औकात दिखा रहा है बोरा कि हम अब जा रहे हैं, कहां जा रहा है, ये पानी में। अब सवाल उठता है कि इस पानी को साफ करवाने के लिए नगर निगम की बहुत सारे टीम जेसीबी मशीन लेके बदशाही पैन को साफ करने के लिए लोग ये कर रहे थे, लेकिन जो ठेकेदार हैं और एक्सिक्यूटिव इंजीनियर एक तरफ से निर्माण को बदशाही पैन को साफ करने के लिए टेंडर अलाउ किया जाता है और एक तरफ से बदशाही पैन को भरने के लिए ठेकेदार लोग मट्टी उसमें डालते हैं कि भर जाओ फिर हम टेंडर होगा, फिर हमको मिलेगा, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर को फिर कमीशन मिलेगा बदशाही पैन को वाही करने के लिए। इस अलावा ये बीच का जो गैप है
उस गैप में करीब 3 फीट बचा है और 3 फीट में ही पानी को निकास है, बाकी भर दिया गया है। का खाली बात, तू तो खेमनी चक में रहता है, तो हमरो कंफर्म है कि तू खेमनी चक में रहता है, गांव के बसिंदा है। सच बताई, काम सही है कि गलत है? काम तो गलत है भैया, सही थोड़ी है। आए? काम तो गलत है। गलत है? कैसे गलत है? मतलब बोल के चलैया नहीं किया, वैसा ही के वैसा ही फिर से ढाल दिया। आगे अच्छा। जाम में पब्लिक को दिक्कत हो रहा, दिक्कत हो रहा। ये जो बोरा बिछाया गया है उसको, इसको सब पानी रोका जा रहा है। फिर से सोच रहा है ठेकेदार सब की फिर से ठेका मिले। अच्छा, फिर से भरा जा रहा है कि फिर से ठेका मिले? अच्छा, ये बात है। निर्माण हो रहा है जो सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही अभी कहाँ हो रहा, अभी सही काम होगा कहा? बहुत परेशान, इतना परेशान है कि ये जो ठेकेदार कर रहा है बोरा डाल के और इसको रोक लगाया गया है, वो सही है या गलत? गलत है, दम गलत है। ये रहेगा या फंस जाएगा? फंस जाएगा, पानी अब तोते फंस जाएगा, ये सब मट्टी गलेगा तोते फंस जाएगा, फंस जाएगा, दम फंस जाएगा। सच में बता रहा है? दम सच में। ऐसा ना कि बदनाम करने, बदनाम क्या चीज, पानी पड़ेगा तोते फंस जाएगा, फंस जाएगा। कि आगे से पुल का जो पाइप बिछाया गया है कितने इंची का है, और आगे से जो निकालने का पानी का पाइप दिया गया है वो कितने इंची का दिया गया है? 36 इंची या 9 इंची? हाँ, 9 इंची से निकास दे रहा है। बीच का इंची क्या घोटाला कर गया? ठेकेदार खा गया पैसा। कैसे ठेकेदार कैसे खा गया? ठेकेदार ही ना बना रहा है। अच्छा, ठेकेदार बना रहा है। तो ये 36 इंची या 9 इंची कितना सही लग रहा है आपको? पानी निकल में नहीं करेगा, पानी तो पूरे जाम हो जाएगा। नहीं, 36 इंची इन है, 36 इंची इन है और आउट इन समझते हैं ना, आउट माने बाहर, 9 इंची में बाहर से निकालना है, 9 इंची में। बरसात में पानी निकलवे नहीं करेगा, ऊपर पानी होगा, घोटाला हो गया। मैं किस लग का आपका बहुत एकदम टाइट है, कैसे चलते जोड़ लिए तुरंत? यह देखिए तो बचा 36 इंची में से 9 इंची माइनस कर दीजिए, के इंची बचा? 27 इंची बच गया। 27 इंची बचा, बाकी तो सब खा गए। के 27 इंची के खाया? ठेकेदार खा गया, और कौन खाएगा? अच्छा, 27 इंची ठेकेदार खा गए। हाँ, पानी नहीं निकलेगा? कहाँ निकलेगा, वो तो जाम हो जाएगा। निकल जाएगा, निकलेगा कहाँ, वो तो धीरे धीरे जाकर के उसमें कचरा भर के भर जाएगा। क्या लग रहा है, 36 इंची का पाइप दिया गया है, 9 इंची से पानी निकाला जा रहा है, निकलेगा चाची? कैसे निकलेगा, ऐसे में तो निकल बिल्कुल नहीं निकलेगा, ऐसे में कैसे निकलेगा पानी? आप भी तनिशा नजदीक आके देख लीजिए, वो पाइप है 36 इंची का, आप पानी से निकले कैसे था? आ, निकाला जा रहा है 9 इंची से, बिल्कुल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? 36 इंच का ये है तो इसमें मोटा होना चाहिए ना पाइप। अच्छा। कैसे निकलेगा, इसमें निकलने कोई अथी नहीं है, सवाले नहीं है, बिल्कुल 36 बिल्कुल जी 36 36 ही चाहिए, काम रहेगा, निकलेगा, हारे नहीं होगा, 36 इंची ही चाहिए, बिल्कुल 36 ही चाहिए। तो 36 इंची का पाइप है, 9 इंची से निकाला जा रहा है, तो निकलवे नहीं करेगा, नहीं मतलब किया जा, नहीं बिल्कुल नहीं निकलेगा। काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, काम सही कहाँ है? सुन लीजिए ठेकेदार साहब, कि मोटा आपको मिल गया है? एक बार आओ था ना। हाँ, एक करोड़ मिला है हमको। अच्छा, एक करोड़ मिला। थेथरलॉजी काला कर रहे हैं आप? कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम तो आईना दिखा रहे हैं। अरे आप लोग जैसा आदमी रहेगा ना तैसा ही निर्माण होगा, समझे? आप सही और गलत को आपको पहचानने की क्षमता नहीं है आपको, आप सबसे इतना दूर में सबसे टैलेंटेड आप है, सबसे टैलेंट तो आप लग रहे हैं। हम तो टैलेंटेड है, आप सवाल जाके दिखाइए, हमरा से मत पूछो। तो काहे बीच में थेथरलॉजी कर रहे हैं आप? हमरा भी आके हम भी गए ना, तो उधर से बोल रहे थे थेथरलॉजी कर रहे थे, तो सोचे कि हम भी थेथरलॉजी कर लेते हैं। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं? हम सब 36 इंची में 9 इंची से पानी निकलेगा, 36 इंची से 9 इंची निकलेगा, बंद रहता है। गलत थेथरलॉजी कर रहे हैं? हम का थेथरलॉजी कर रहे हैं? आप खादा बेचिए, भाई साहब है, ऐसे में लोग जो रहते हैं ना थेथरलॉजी करने पर उतरते हैं, और निर्माण कर्म जो होता है उन निर्माण में ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही, ऐसा ऐसा लोगों के कारण ही इस तरह का घटिया निर्माण होगा। अगर सवाल यही चीज अगर मीडिया दिखा रहा तो कह रहा है कि उस दिन कहां थे, पाइप में पानी नहीं आता है, तो भाई साहब का अगर इतना बुद्धि रहता तो दुकान में खाजा नहीं बनाते।
रोड टेंडर करते या शायद कोई ना ऑफिस में नौकरी करते, खादा नहीं बनाते। सवाल यही है, क्या लग रहा है, काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत है, पाक मोटा लगना चाहिए। आगे वाला बोले कि सही काम हो रहा है खादा वाले तो अब अपना अपना समझदारी है, पहले है उनको समझदारी है जितना बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि लेकिन पाइप इसमें मोटा होना चाहिए थोड़ा सा, पाइप होना चाहिए निकाल। हाँ हाँ जरूरी था, बिल्कुल गलत चीज बना रहा है ठेकेदार। पानी तो निकलवे नहीं करेगा, बरसात के दिन में पूरे रोड पर झील हो जाएगा, पानी निकलेगा नहीं। और भाई साहब कह रहे थे कि सही निर्माण हो, अरे सही कैसे हो जाएगा, 9 इंची है जहाँ 6 मतलब 36 इंच है जहाँ 9 इंची, दोनों बराबर हो जाएगा, ये होने वाला बात है? हाथी मतलब गधा में दोनों में बराबर हो जाए, तुलना कर लेगा? तुलना में लग रहा है कि गधा हाथी नहीं, गलत है, गलत है। ये जो नाला बन रहा है बिल्कुल गलत है, पुल का जो निर्माण हुआ है पूरे गलत तरीका से हुआ है, पानी निकल में नहीं करेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, पुनः फिर से बनाया, इसको फिर से जांच करवाइए, विभाग को दीजिए जांच करने के लिए, नगर निगम को, अब मुख्यमंत्री को चिट्ठी दीजिए, जो बागलपुर में पुल इसी तरह से ठेकेदार जो बना कर गया और पुल गिर गया, इसका भी वही हाल होगा। क्या बोल रहे थे भैया, बीम देवे ने क्या इसमें, किसमें इसमें छत्ता नहीं धार करके पाली मुली करबे नहीं किया, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ऐसी बस ऐसे ढाल करको वैसे छर निकाल को ढाल दिया, बस बीम नहीं हुआ, नहीं है फाइलिंग, नहीं है फाइलिंग, अंदर में नहीं किया, नहीं है सिर्फ अंदर में खड़ा कर दिया, कुछ नहीं है, ना जांच करवाइए। क्या लग रहा है भागलपुर कितना ये पुलवा गिरेगा, गिरेगा एकदम गिरेगा, अरे जांच करवाइए इसको। आप बोल रहे हैं कि भागलपुर के तरह ये पुल गिर जाएगा, गिर जाएगा, तो मनीष का सब भी ऐसी बोला था कि भागलपुर के तरह ये गिर जाएगा, खड़ा मटे गिरेगा डाल दिया गया, ये वो तो बोले कि निर्माण सही हो रहा है। अब बेटी चौधरी लूला कहा गया, लूला जो रोड बाके खा गया, 7 मीटर के 6 मीटर कर पाया, अब 12 फीट के 7 फीट पे ढलवाया, सात मीटर के कितना है, कितना 6 मीटर, 6 मीटर हो गया, 1 मीटर हाथी गांव में गया, 1 मीटर के ले गया, के ले गया, डाल गया, ठेकेदार लेके चल गया, चल गया। हाँ ये भाई साहब जो कह रहे हैं 110% करे, 12 फीट डिप है, जांच करवाइए उसको, कौन 12 फीट में, 12 फीट डिप था ये, 12 फीट डिप था, तो क्या फीट है, 7 फीट होगा, बहुत 7 फीट, हाँ 8 फीट नहीं है, कन्फर्म, एकदम कन्फर्म है, इसका लगता है पूरा एकदम यजय रहने करते हैं, हम विदेश से आते हैं, यजय देखते नहीं, यजय हाँ, सब चीज देखे हाँ, ये निर्माण गलत है, हाँ गलत है, भागलपुर के तरफ हाँ, गिरेगा, गिरेगा गिरेगा, तो निर्माण जिस प्रकार से होना चाहिए था, सवाल ये है जिस प्रकार से खेमनी चक में पुल का निर्माण 33 लाख में हो रहा है, उसमें कितना कमीशन स्कूटिव इंजीनियर को मिला है, अगलपुर के तरह यह भी पुल गिर जाएगा, क्योंकि इसकी निर्माण में डीप चकला कोई पिल को अंदर पिलर नहीं दिया गया है, सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है निर्माण के जगह पर, और 7 मीटर के जगह 6 मीटर निर्माण किया गया है, लेकिन ये लोगों का कहना है कि सही है या गलत है, जो लोगों का जनता का ओपिनियन है, यह हमारा ओपिनियन है, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे इस पुल के निर्माण को जांच करने का, स्कूटिव इंजीनियर सा है, हम आपसे सवाल पूछेंगे कि निर्माण हो रहा है और निर्माण में कितनी सच्चाई है और सही है, वह हम आपसे पूछेंगे, और ठेकेदार साहब से भी पूछेंगे, सोनाल कंचन जी जो है पूछेंगे कि 36 इंची के पाइप से 9 इंची पानी कैसे निकाल देता है, जरा इसका गीता दाग का उदाहरण हमें बताइए। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।